तो गाइज आज हम तोड़ेंगे मधुमक्खी का छत्ता। ये देखो आप, ये कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें से क्या है, मधुमक्खियाँ जा चुकी है अभी अपने घर पे, या शायद दूसरा उन्होंने छत्ता बना लिया है। तो आज हम इसको तोड़ेंगे और मोम बनाएंगे। आज मोम कैसे बनाते हो मैं बताऊंगा आज आपको, परंतु इसमें अभी एक मधुमक्खी है जिससे मुझे काफ़ी डर लग रहा है। ये देखो आप, ये रही ये मधुमक्खी, इसका डर लग रहा है काट नहीं जाए। तो अभी देखते क्या होता है। तो गाइज आज मैंने कैंसिल कर दिया मधुमक्खी का छत्ता को तोड़ना। जब मैंने इसे काटा तो वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खी जमा हो गई है। देखो आप, ये पहले सिर्फ एक ही मधुमक्खी थी, ये बहुत सारी जमा हो गई है मधुमक्खियाँ। तो देखो आगे चलते जंगल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो गाइज देखो ये जंगल कितने बड़े बड़े है, देसी बबूल के पेड़, और ये बेल कितनी मोटी बेल है। ये देखो आप कितनी मोटी बेल है, ये देखो आप कितनी मोटी बेल है, कहाँ तक जा रही है। इसके लाल लाल फल आए हैं, वो अभी मेरे को दिख नहीं रहे, पहले थे शायद अब खिर गए, वो मतलब जड़ गए अब। ये देखो आप कितना भयंकर जंगल, कितने बड़े बबूल के पेड़ हैं यहाँ पर। आगे चल के देखते उस तरफ, आगे की ओर चलते आगे क्या क्या है। ये देखो ये यहाँ पे कितना भयंकर जंगल जैसा हो रहा है। वो आपको मैं बताऊँगा इंडोले के पेड़, यानी अरंडी के पेड़। चलते हैं देखा क्या है क्या नहीं है, बहुत ही काटा। ये देखो गाइस ये अरंडी के पेड़, ये वाला ये अरंडी का जंगल काफी शानदार। आगे चलते हैं, काफी भयंकर जंगल है, इधर से तो नहीं निकलना आएगा। इधर पीछे से चलते हैं, पीछे क्या क्या है देखा। आया बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे, अरे बाप रे। देखते हैं देखा क्या क्या है। ये देखो आप, ये काफ़ी बड़ा, ये सीताफल का पेड़ है। ये देखो आप काफ़ी शानदार, ये से बताता हूँ मैं आपको, देखो कितना बड़ा पेड़ है सीताफल का। ये अपने आप उगाए बीज से, जंगल में तो किसी जीव ने खाया भी नहीं है इसे। ये देखो शानदार सीताफल का पेड़ है ये वाला। वो उधर देखो आप कितना घना जंगल है, उधर जाने का रास्ता नहीं है, मैं आपको जाके बताता। ये देखो आप, ये सब अरंडे की बीज।